अच्छा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, यही भैया की गाड़ी लगा देते हैं। खिड़की खोल देना, मैं हूँ यहीं, देखो। हाँ अब मैं विंडो खोल देना, दरवाजा खोल देना। हाँ ये दरवाजा, आओ साथ में आ जाओ सुप्रीत। जरा चाबी ले आना। रोड तो आप ये देख ही रहे हैं। हाँ बड़ी कौन सा वाला है भैया? ये बढ़िया गन्नों का, सरसों का, गन्नों का खेत है। प्लॉट है। हाँ प्लॉट है, मतलब प्लॉट है लेकिन गन्ने उगाए हैं। अब यहाँ पर चीनी मिठास खूब होती होगी, जिसका भी प्लॉट है उसके अंदर खूब मिठास होगी, तभी तभी इतने गन्ने उगा के बैठे हैं। इनके गन्ने सारे मुरझा गए हैं तो इनकी मिठास ख़त्म हो गई है। एक सबसे बढ़िया इस प्लॉट की खासियत है कि ये इसमें है 1200 स्क्वायर फीट का। अच्छा ये कितने? ये दो प्लॉट है इसमें। अच्छा ये दो है, ये आपको इधर से मिलेगा 20 का उस दीवार से। हाँ, उस दीवार से इस तरफ। हाँ, और 60 का और पीछे पीछे नहीं होगा। नहीं पीछे नहीं, उस दीवार वो दीवार है बस, वो दीवार तक। हाँ, है पूरा। हाँ, अच्छा उस दीवार तक। आइए आइए, तो काफी बड़ा प्लॉट है। अगर इतने एरिया में दो प्लॉट निकल रहे तो ज्यादा बड़ा एरिया हुआ कि नहीं? बारह सौ अच्छा 1200 आपको 1200 मतलब 1200 कहाँ तक आएगा, किस जगह तक आएगा? 20 का जो भी फ्रंट होगा। हाँ यहाँ तक 20 का फ्रंट हो गया, यहाँ तक पड़ेगा, यहाँ तक पड़ेगा। अच्छा तो देखो जहाँ तक इनका शूज है इस जगह तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसका मतलब यहाँ पे कम से कम 3 या 4 प्लॉट निकलेंगे, है ना? अच्छा तो ये जिसकी प्लॉट की चौड़ाई है वो कम है और लंबाई ज्यादा है ना? 20x60। हाँ और ये बगल में जो बिल्डिंग बन रही है ये जज साहब की बिल्डिंग है, तो कोर्ट के केसेस भी यहीं निपट जाएंगे सारे। बगल में सब बगल में है। और ये देखिए लुल्लू मॉल भी यहाँ से नजर आ रहा है, ऊपर छत पे खड़े होके लुल्लू मॉल देख सकते हैं। 3 या 4 होंगे सुप्रीत? नहीं 3 नहीं भैया, 3 है बस, 3 है। 3 होंगे, 3 से कम नहीं होंगे। बेच रहा है एक हिस्से का। हाँ अगली देखिए वो लुल्लू मॉल है। हाँ ये रास्ता आपका जाएगा, चाहिए ले लीजिए। ये बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं और इधर से ये समझ लीजिए कोई भी यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। हाँ एक तरह से जैसा ये प्लॉट है इस तरह से समझ लीजिए, ये 20x हाँ बस है ना। हाँ, ये जो प्लॉट देख पा रहे हो, इस प्लॉट को देख के आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरीके का प्लॉट होगा। ये करीब 20 फुट चौड़ा और 60 फुट लंबा, तो ये गाइडेंस के लिए ये समझ में आ जाएगा। ये प्लॉट तो काफ़ी ज़मीन से नीचे है और इसकी दीवार भी ये बाउंड्री वालों के लिए। और यहाँ पर ये जहाँ पर आप ये बिल्डिंग देख रहे हो लुल्लू मॉल, उस बिल्डिंग के बगल में लुल्लू मॉल भी है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है लुल्लू मॉल का। और घर कुछ बने भी हुए हैं, जैसे ये घर पूरा बना हुआ है, यहाँ लोग भी रहते हैं, और दो रात में इनको डर जरूर लगता होगा। और ये बन भी रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं ये मकान। और दो बहुत सारे प्लॉट और खाली भी पड़े हैं, जैसे ये एक प्लॉट है ये खाली पड़ा है, ये पता नहीं किसका है लेकिन ये भैया ने जो दिखाया है। भैया ये वाला प्लॉट कितने का है? ये 3600 रुपये बताया। 3600 रुपये स्क्वायर फीट का प्लॉट है और कितने कितना बड़ा? 1200 स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट इसकी वो है डायमेंशन। और तो 1200 × 3600 कितना हुआ? 43 लाख। ये 43 लाख रुपए का प्लॉट है, तो इसमें ये आप देखो बढ़िया प्लॉट है। और भी है भैया यहाँ पर? अच्छा वो भी दिखा दीजिए। एक और प्लॉट है, ये थोड़ा अंदर करके पड़ गया है,
लेकिन रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर और ये थोड़ी ढलान भी है तो हाँ हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है ढलान की ढलान ही रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पानी जो है, पानी जो है वो ऊपर से सीधे नीचे चला जाएगा क्योंकि स्लोप है। हाँ, और जज साहब ने भी इतना बड़ा जो मकान बनाया है कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, नहीं तो भले ही लोगों के पास कितना भी पैसा हो लेकिन वेस्ट तो कोई नहीं करता। हम लोग ये आगे का प्लॉट भी देख लो क्या, 1200 स्क्वायर फीट में 9-9 फुट कहाँ दीवारें बनती है भैया। अब तो अब आजकल जो प्लॉट बनते हैं, सुनो आजकल जो प्लॉट बनते हैं वो बनते हैं RCC पर, तो RCC के ऊपर जो चुनाई और वो जो वो दीवारें बनती हैं 4 इंच से ज़्यादा की नहीं बनती। 4 इंच की दीवार हो गई, 2 इंच एक्स्ट्रा मान लो तो 6 इंच से ऊपर नहीं। देखो 43 लाख रुपए में इससे ये लंबाई में ज़्यादा था। अरे ज़बरदस्ती सुनवा लेना, देखो मैंने ही ज़बरदस्ती नहीं है। ये देखिए ये एक प्लॉट है बहुत बढ़िया, ये वाला जिस पे ईंट लगी हुई है वो भी नंबर है। अच्छा अच्छा, अरे वाह, हाँ, लुलु मॉल सामने, हर जगह से देखिए लुलु मॉल नजर आता है। हाँ देखिए प्लॉटिंग जो रोड आ रही है, हाँ वो सीधे मिल जाएगी, वो वाली रोड देखिए वहाँ पर वो शहीद पथ से जुड़ा हुआ रोड रहेगी और इधर अर्जुनगंज से जुड़ी हुई रोड रहेगी। तो ये देख सकते हो कि चारों तरफ कौन सा प्लॉट है, ये वाला जिसपे ईंट की, अच्छा ये जिसपे अभी कोई दवार नहीं है, 4000 एरिया है। अच्छा 4000 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है, थोड़ा पूरा है, अब देखो, हाँ पूरा का पूरा 4000 स्क्वायर फीट का है, नदी के ऊपर बनाया हुआ है, नाला नाला मिट्टी सब में आती जब सरकार थी, हाँ हाँ उन्होंने ही खुदवा लिया था गोमती नगर में। हाँ हाँ, ये हमारी बहन सुश्री मायावती जी ने थोड़ी मिट्टी की, नहीं नाला इसको तो देखो, लेकिन उसके लेवल में नाला यहाँ है ये नहीं है, ये क्या है, नहीं नाला नहीं है, अरे ये तालाब है भैया, तालाब है, इसमें पानी इतना है, 1.5 फुट पानी है, ये हटा दिया जाएगा, नहीं हटा सूख जाएगा लेकिन हटा नहीं सकते। हल्का हल्का मिट्टी डाला जाएगा, मिट्टी डाल कर प्लॉटिंग पूरा बराबर कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए ये दीवार बनी थी और पूरी की पूरी दीवार जो है ये वाला प्लॉट 4000 स्क्वायर फीट, इसका क्या रेट है, हाँ नंबर रखा, इसका क्या रेट है, सेम है भैया, और भाई हाँ देखो ये भी जगह अच्छी है, थोड़ी अंदर जाके है, बगल में अमृत हॉस्पिटल है, भैया प्लॉट तो बढ़िया है लेकिन वो थोड़ा पतला है, कौन वाला, वो वाला 1200 स्क्वायर फीट वाला, वो थोड़ा चौड़ा दिखाइए, अब बड़ी मुश्किल से आप इतनी इसमें इसमें देखेंगे इसको है, इसमें आधा लेंगे, हाँ इसमें देखो ये आधा ले सकते हैं, ये 4000 स्क्वायर फीट है तो इसमें चाहे तो आधा ले सकते हैं, 2000 यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से आप ले लो उधर मत लो, इधर से ले, हाँ ये इसकी चौड़ाई जो है पीछे तक ज्यादा नहीं है, मतलब लंबाई ज्यादा नहीं है, इसकी चौड़ाई ज्यादा मिल जाएगी। हाँ ये मेन फ्रंट पे भी हो गया, चाहेंगे जब आप हाँ। जैसे लेते हैं अगर इच्छा करेगी तो वो भी ले लो, तो आप ये पूरा ब्लॉक है, आप अपना रोड, हाँ 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 रोड भी है, हाँ ये आपकी पूरी रोड भी हो जाएगी, क्योंकि हाँ। ब्लॉक है, ये पश्चिम वेस्ट हो रहा है, ये वेस्ट हो रहा है, ये वेस्ट है, देखिए सूरज डूबने वाला, ये सूरज वाला है, वेस्ट हो गया ये, हाँ अरे उससे नॉर्थ साउथ से कुछ नहीं होता, मैंने कितने मकान खरीदे साउथ वाले, साउथ फेसिंग कुछ नहीं हुआ, सस्ते मिल गए, बढ़िया।
देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से कुछ नहीं होता, जगह अच्छी होनी चाहिए ये आगे जैसे कि और मकान बनाने के लिए मकान बन, देखो आजकल जो मकान बनते हैं वो इस तरीके के मकान बनते हैं जैसे ये बने हुए हैं, पिलर के ऊपर बनते हैं। लोकेशन का भी लोकेशन का भी सारे के सारे मकान अच्छे अच्छे बने, देखो सारे मकान पिलर के ऊपर बनते हैं और ऊपर नीचे बनते हैं, सब 4 इंची है। हाँ ये भी ये सब रह रहे हैं भैया, ये देखो इसमें रह रहे हैं, ये देखो ये बन बन के ये सब बिकेंगे एक साथ, अंदर सब बन के बिकेंगे 3500 रुपए। यहाँ पे खूब सारे मकान प्लॉट और बहुत सारे अवेलेबल हैं। नहीं नहीं मोती नगर बहुत हाई रेट है, हमने लिए तो क्या हुआ, हमने लिए तो क्या हुआ, बहुत महंगा है भैया। अरे हाँ अरे तुम्हें मिला है उससे क्या मतलब, ये वाली जगह पे प्लॉट था अंदर जाके। अरे ठीक चलिए आज का आज की सभा समाप्त, काफी अच्छा लगा भैया।